हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल लवर। होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आप सभी को ये इंस्पायर मेकअप लुक लेके आई हूँ जो कि साइमा मैम का है, इसे मैं रिक्रिएट करूँगी। इन्होंने इंस्टा पे ये पिक डाला हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें रिक्रिएट करती हूँ। सो मैं पहले अपने पूरे फेस को हाइड्रेट कर लूँगी। गुड वाइब का रोज टोनर यूज़ की हूँ। अब मैं इसे फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके थोड़ा सुखा ले रही हूँ। उसके बाद मैं सनस्क्रीन गुड वाइब का लूँगी, ये SPF 50 का है। और समर में सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप ना करें। सनस्क्रीन लगाने से ये होता है कि आपको सनबर्न की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी स्किन पे ब्लैक कलर के दाग धब्बे नहीं होते जो कि सनबर्न हो जाती है गर्मियों में, तो सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाएं। गुड वाइब का रोजिप सीरम यूज़ करूँगी जो मेरे फेस को ग्लोइंग बनाएगा और मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि यहाँ मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, वैसे ही आप सभी को भी करना है टप टप करके। उसके बाद मैं अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी। मैं आईब्रो के लिए कुछ एक्स्ट्रा से नहीं लेती हूँ, जो मेरे पास होता है उसी में कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ बहुत सारे हैक से अपना आईब्रो फिलअप कर लेती हूँ। अगर आप वो हैक जानना चाहते हैं तो मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपने पैलेट से कुछ कलर लेके ने मिक्सअप करके अपना ब्रोज को फिलअप कर लिया। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से फिल कर ले रही हूँ। तो मैं अब कंसीलर लूँगी, NY का है। इसे अपने जो फॉल आउट हुए हैं उन्हें क्लीन अप कर लूँगी और ये मेरे आईब्रो को और इनहेंस कर देंगे। तो आप जब भी अपने आईब्रो को सेट करें तो आउटर जो फॉल आउट होते हैं उन्हें क्लीन अप कर लें एंड इन्हें अच्छी तरह से सेट कर लें। उसके बाद मैं कंसीलर को लेके अपने पूरे आईलिड पे और अंडर आइज पे अप्लाई कर लूँगी एज ए आई प्राइमर, क्योंकि आई प्राइमर और कंसीलर सेम वर्क करता है। तो मैंने यहाँ बहुत अच्छी तरह से अपने कंसीलर को लगा लिया है और इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लूँगी। ये कंसीलर काफ़ी ही खूबसूरत है, इसे लगाने के बाद एक अच्छा सा प्राइमर लुक मिल जाता है और इसे पे कोई भी आई मेकअप बहुत ईजी वे में हो जाता है और ये क्रीज भी नहीं करता है, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसे एक स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। सो मैं आपको दूसरे इसका भी ब्लेंड करके बता दे रही हूँ। और उसके बाद मैं इसे लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी। और यहाँ मैंने अच्छी तरह से अपने आई प्राइमर को सेट कर लिया है जो कि मैंने कंसीलर यूज़ किया था। और इसे मैं अपने अच्छी तरह से थोड़े कम कम अमाउंट में लेके अपने अंडर आईज एंड आईलिड पे लगा ले रही हूँ। और मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ट्रांजेक्शन सेट लूँगी और इसे मैं अपने पूरे आईलिड एंड क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि वहाँ साइमा मैम ने अपने आई मेकअप में ज़्यादा कुछ कलर नहीं किया हुआ है, बस एक ट्रांजेक्शन सेट ली है। तो मैं काफ़ी अच्छे तरह से इसे अपने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने आईलिड पर अप्लाई कर ले रहे हैं। उन्होंने काफ़ी लाइट रखा हुआ है, डार्क नहीं किया, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन्हीं के तरह सेम क्रिएट कर सकूं। तो यहाँ उसके बाद मैं एक लाइट ब्राउन शेड लूँगी जिसे मैं अपने क्रीज के ऊपर वाले एरिया पे लगा लूँगी थोड़ा सा। अब मैं आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, ये मैंने आईलाइनर ब्लू हेवन का लिया हुआ है और मैं इसे साइमा मैम के तरफ कोशिश कर रही हूँ कि जैसे उन्होंने आईलाइनर ड्रॉ किया वैसा मैं भी कर सकूँ। तो
आप बताइएगा ज़रूर कि कैसा हुआ है मेरा मेकअप, और मुझे आप कोई भी टिप्स या फिर कुछ भी आपका जो भी हो, आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं वो मुझे इंस्टा पे आप DM कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों ने अगर ये मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है आप सभी का। और आप लोग अपना इतना कीमती टाइम वेस्ट करके मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो एक तो लाइक बनता ही है फ्रेंड्स। एंड मैं अपने आईज लेसेस को कर्ल कर लूँगी, और यहाँ मैंने एक कलर यूज़ किया है जो मैंने अमेजन से परचेज़ किया हुआ है, अमेजन का। मैं उस कलर का रिव्यू भी की हूँ, अब मेरे चैनल पे होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मैं यहाँ बेला वुड का मस्कारा यूज़ करूँगी, ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है, ये बहुत ही आई लेसेस को वॉल्यूमेबल बना देता है। इसे लगा लेने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती फेक लेसेस की, बट यहाँ मैम ने फेक लेसेस लगाया था इसलिए मैं भी लगा ले रही हूँ। तो मैं अब फाउंडेशन यूज़ करूँगी अपने पूरे फेस पे, ये भी मैंने स्टेक क्विकी का मंगाया हुआ है, और इसे पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ, और नेक पे भी। ये फाउंडेशन काफ़ी क्रीमी टेक्सचर में है, काफ़ी खूबसूरत है, इसे लगाने के बाद क्रीज नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ अफोर्डेबल प्राइस में चाहते हैं तो इस फाउंडेशन को आप परचेज़ कर सकते हैं। इसे मैंने पर्पल पे परचेज़ किया था, इसका मैंने हॉल भी शेयर किया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मैं उसके बाद अब आप सभी को अपने NY का कंसीलर यूज़ की हूँ, जिसे मैंने अपने आईलिड को कवर आउट किया था, और इसे मैं अपने फेस के हायर पार्ट पे अप्लाई कर लूँगी, और इसे स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। एंड मैं आप सभी के लिए काफ़ी जल्द कुछ अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल के वीडियो डालने वाली हूँ, तो उसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, वो मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचाएगा। और हाँ, मैंने यहाँ अपने कंसीलर को अच्छी तरह से पैक करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि वेदा वुड का है, और इसे मैं टैप टैप करके डैबिंग मोशन में अच्छी तरह से अपने पूरे फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। अब मैं कंसीलर के लिए अपने फेस पर एक हॉलो बना लूँगी, और उसी को मिलाते हुए अपने आईब्रो के इंड तक ले जाऊंगी। और यहाँ मैं अपने डबल चिन को कवर करने के लिए भी कंटूरिंग कर लूँगी, और ये कंटूरिंग NY का स्टिक है, इसे भी मैंने पर्पल से लिया है। आप ये भी आपके काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, तो आप इसे चेकआउट करना बिल्कुल स्किप ना करें। और हाँ, मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने एक दिन ट्राई किया तो काफ़ी मुझे इजी वे में मैंने अपना सारा कंसीलर एंड कंटूरिंग ब्लेंड कर लिया। सो मैंने ब्रश को कंटूर के लिए यूज़ करना छोड़ दी हूँ। एंड आपसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं यूट्यूब पर नहीं हूँ, सो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। एंड मुझे बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन सब चीज़ों को आप लोग नज़रअंदाज करके चलिए। एंड मैं यहाँ एक ब्रोंजर पाउडर लेके अपने पूरे जो कॉन्टोरिंग की हूँ उसके ऊपर लगा लूँगी, जिससे ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। एंड मैं अब अपने फेस पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश अप्लाई करने के पहले आप जो भी कलर लें उसे थोड़ा हटा लें, कम कर लें, क्योंकि डायरेक्ट आप बहुत ब्लश अपने फेस पे लगा लेंगे तो उसे ब्लेंड करना टफ हो जाता है। और आप जब भी ब्लश अप्लाई करें एक स्माइल के साथ ब्लश अप्लाई करें, इससे आपके जो एक्चुअल फेस की और स्माइल करने के बाद जो हायर पार्ट हो उस पर
अप्लाई करें, क्योंकि इसके बाद आपको एक्चुअल स्माइलिंग फेस दिखता है। और यहाँ मैं आईलेसेज लगा ले रही हूँ। ये आईलेसेज मैंने अमेजोन से परचेज किया है, हुबा ब्यूटी का है। और अब मेरे हॉल नहीं देखते हैं तो आप मेरे हॉल जाके देखें, वहाँ काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बहुत कम प्राइस में आप सभी को मिलने वाली हैं। एंड मैं यहाँ नोज़ को अपने कंटूर कर लूँगी। मैंने ट्राई किया है कि साइमा मैम के नोज़ की तरह मैं इन्हें लुक दे सकूँ, तो आप देख सकते हैं मैं नोज़ को किस तरह से कंटूर कर रही हूँ कि मैं थोड़े साइमा मैम की तरह नोज़ को अपने ड्रॉ कर लूँ। आप लोग बताइए ज़रूर कि ये नोज़ उनके तरफ बन पाया या नहीं। और यहाँ मैंने पिंक लिपस्टिक लगा लिया है, क्योंकि मैम ने भी पिंक लिपस्टिक यूज़ किया है। सो अब मैं अपने फेस को हाईलाइट कर ले रही हूँ। तो मैं अपने एक हाईलाइटर पाउडर अपने चिक पे एंड नोज़ पे एंड जो भी मेरे फेस के हाईलाइटर पार्ट हैं उन पर लगा ले रही हूँ। मैं अब जो भी हाईलाइटर लगाएं तो आप फैन ब्रश की हेल्प से लगाएं, बट मैं उसे नहीं इतने आसानी से लगा पाती हूँ, तो मैंने हमेशा फिंगर का यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिंगर में काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और मैं आप ग्लो गन पे देख सकते हैं मैंने हाईलाइटर लगा लिया है, और उन्हें एक पिंपल्स है लिप के ऊपर, तो मैं इसे भी ड्रॉ कर रही हूँ पिम्पल्स को। एंड हाँ, काफ़ी गर्मी हो रही है, सो मेरा मेकअप आप देख ही रहे होंगे कितनी परेशानी हो रही है। और यहाँ मैंने ब्लैक कलर का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, और इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से टैप टैप करके सेट कर दे रही हूँ। आप जब भी मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करें तो इसे सेट कर लें। और हाँ, ये बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है, इसे यूज करने के बाद मेरा मेकअप काफ़ी देर तक लॉन्ग स्टे करता है, और मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और बताइएगा ज़रूर कि ये मैंने लुक मैम की तरफ क्रिएट किया है कि नहीं, और ये लुक देखने के बाद आपको मैम का याद आ रहा है या नहीं। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।